नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे आज हमारे पास है Infinix Smart 6 Plus मोबाइल, करेंगे इसका यहाँ पे डिटेल कैमरा टेस्ट, कैमरा रिव्यू, और देखेंगे प्राइस के हिसाब से कैसा यहाँ पे आपको कैमरा परफॉर्मेंस जो है वो मिल जाता है। और हाँ, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजय हियर, वेलकम टू आवर चैनल ईटेक, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पीछे की साइड यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा मिल जाता है विद 8 मेगापिक्सल विद ड्यूअल एलईडी फ्लैशलाइट। फ्रंट साइड यहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा 5 मेगापिक्सल का मिलता है, और यहाँ पे भी आपको ड्यूअल एलईडी फ्लैशलाइट जो है वो मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे कैमरा यूआई को लेके, तो कुछ इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं, जहाँ से आप स्वाइप करके स्विच कर सकते हो। स्वाइप अप से आपको यहाँ पे टाइम लैप्स वीडियो, एआई कैम, ब्यूटी पोर्ट्रेट, एयर शॉट, पैनोरामा एंड डॉक्यूमेंट्स मोड जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फर्दर सेटिंग्स जो है वो भी मिलता है, जहाँ से आप पिक्चर साइज, डिले कैप्चर, लोकेशन लेवल, कस्टम वॉल्यूम की मोड पोजीशन, या तो फिर यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट सेंसर एज ए शटर भी सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे वाटरमार्क, टच कैप्चर एंड ग्रिड का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट कैमरा, और यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो की क्लैरिटी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। सो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रॉम द रियर कैमरा एट 1080 पिक्सल, एंड ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी जो है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। जो प्राइस है उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे कैमरा रिजल्ट काफ़ी सही लगा। जो फोटो से एकदम ही नेचुरल आती है, कलर पॉप यहाँ पे नहीं होता है, जो मुझे एकदम ही सही लगा। और यहाँ पे जो फोटो से वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आता है। तो यहाँ पे रियर के अंदर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस मुझे ये 10,000-12,000 वाला जो कैमरा रहता है ऐसा यहाँ पे मिला है। तो थोड़े बहुत हमने नज़दीक से जो मैक्रो शॉट्स बोलते हैं ऐसे थोड़े यहाँ पे ट्राई किए हैं, तो सभी का रिजल्ट एकदम ही सही है। डिटेल्स, कलर सेचुरेशन काफ़ी सही लगा मुझे। तो ये सब जो सैम्पल्स फोटोज़ है वो काफ़ी सही से आपको 8 मेगापिक्सल के अंदर मिल जाते हैं। डिटेल्स भी यहाँ पे आपको एकदम अच्छी तरीके से दिख जाती है। जैसे कि ये कलर है, तो ये कलर पॉप नहीं है, जो नेचुरल कलर है वही यहाँ पे आपको दिखाई देता है। HDR का भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। यहाँ पे जो आउटडोर कंडीशन है, क्लाउड फॉर्मेशन है, वो काफ़ी क्लियर दिखता है। तो ये जो फोटोज़ है यहाँ पे मैक्सिमम 4x जूम होता है, और क्लैरिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहती है। अगर बात करें यहाँ पे पोर्ट्रेट्स को लेके, या तो फिर AI कैमरा को लेके, तो वो मुझे काफ़ी सही लगी। स्किन टोन या तो फिर जो बैकग्राउंड है वो एग्जैक्टली जैसा यहाँ पे रियल में होता है वैसा ही आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट भी मिलता है, एज के अंदर थोड़ा बहुत आपको माइनर सा जो करेक्शन है वो मिल जाएगा, अदरवाइज बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लर होता है। और जो मेन फोकस है, जैसे कि जो पर्सन है, वो क्लियर दिखता है, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी जो है वो मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ रियर कैमरा को लेकर। सेल्फी कैमरा भी भाई काफ़ी कमाल का यहाँ पे आपको फोटोज जो है वो प्रोवाइड करता है। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और परफॉर्मेंस एकदम ही सुपर लगा मुझे। तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर जो सेल्फी रहते हैं उसे अच्छी तरीके से यहाँ पे कैप्चर करके शेयर कर पाओगे। यहाँ पर भी जो स्किन टोन है वो काफ़ी मेंटेन रहता है, ओवर पॉप नहीं होता है कलर, जो मुझे काफ़ी सही लगा। ये है इंडोर शॉट, नाइट कैमरा के अंदर हमने इंडोर शॉट्स लिया है, और सिंगल ट्यूबलाइट है, और उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जो फोटोज़ है, पोर्ट्रेट है, वो यहाँ पे मिल जाता है। नाइट कैमरा यहाँ पे एवरेज है, क्योंकि मोबाइल जो है उसका प्राइस है 8,000 रुपीज़, लेकिन फिर भी अच्छी और काफ़ी क्लियर वाली आपको नाइट कैमरा के अंदर जो फोटोज़ है वो यहाँ पर मिल जाती है। ओवरऑल अगर यहाँ पर बात करें कैमरा परफॉर्मेंस को, तो मुझे प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी सही लगा, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अगर बात करें यहाँ पे वर्डिक में, तो जो प्राइस है 8,000 रुपीज़, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी यहाँ पे मुझे बेटर लगा। जो नॉर्मली डे लाइट के फोटोज है वो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर आपको यहाँ पे मिलते हैं, नाइट कैमरा काफ़ी एवरेज है, और ये प्राइस के हिसाब से काफ़ी एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज यहाँ पे जो नॉर्मल AI मोड है, या तो फिर आप नॉर्मल कैमरा के अंदर यहाँ पे जो फोटोज लेते हो, पोर्ट्रेट लेते हो, प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी सही वाला लगा। और हाँ, इसका जो परचेज लिंक है वो भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।